आज हम सिक्स क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का बेटा एट्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फिंगर ऑफ लाइन एम एन। फॉलोइंग फिंगर में लाइन एम एन को कंसिडर करना है, ठीक है। एम एन कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये है लाइन है, कंसिडर है ये। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा। फर्स्ट है इसका क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। क्या क्यू एम ओ एन पी लाइन एम एन के पॉइंट है बेटा? अब बात करोगे सर लाइन तो एम एन यहीं ख़त्म होगी, क्यू और पी तो इसमें नहीं है बेटा, ये लाइन है। अगर ये सिगमेंट होता, क्या होता, सिगमेंट होता जब तो कहाँ तक होता बेटा, ये एम एन तक होता। सिगमेंट के तो पॉइंट नहीं थे क्यू और पी, लेकिन लाइन है। लाइन को हम बोथ साइड में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन तो ये हो गई बेटा, इसको कितना भी बढ़ा लो इस साइड में और इस साइड में, यहाँ एक एम पॉइंट है, यहाँ एन पॉइंट है, यहाँ क्यू भी आ गया और यहाँ क्या आ गया, पी भी आ गया। बढ़ा सकते हैं लाइन को, सिगमेंट को नहीं बढ़ा सकते। लाइन सिगमेंट किसे कहते हैं बेटा, जिसके दो एंड पॉइंट हो, ये है लाइन सिगमेंट, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हमने इसे लाइन ए बी को क्या कह दिया, लाइन सिगमेंट कह दिया, और ये क्या है बेटा, लाइन है। तो क्यू और पी बी लाइन एम एन के क्या है, पॉइंट है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड है एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सिगमेंट एम एन। एम एन पे देखो, एम और एन कहाँ तक है बेटा, एम और लाइन, लाइन सिगमेंट की बात कर रहा है। तो देखो एम और एन यही है, लाइन सिगमेंट यही हो गया। अब इस पे एम एन पे ओ पॉइंट भी तो है बीच में, तो ये क्या हो गया, है। यस, ये भी क्या है बेटा, ट्रू है। एम एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट एम एन। एम और एन लाइन सिगमेंट एम एन के एंड पॉइंट है, यहाँ ए साइड में एम पॉइंट है और इस साइड में एन पॉइंट है, ये भी क्या है बेटा, ट्रू है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट ओ पी। जब बेटा लाइन सिगमेंट ओ पी को हम ड्रॉ करेंगे तो ये होगा बेटा, ऐसे होगा। अब इसका एक पॉइंट तो एंड पॉइंट तो क्या होगा, ओ होगा, और एक एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट, ओ और एन लाइन एंड पॉइंट है इस लाइन सिगमेंट के, नहीं है। ओ तो है लेकिन एन नहीं है, एन की जगह क्या आएगा, पी होता जब तो ये ट्रू हो जाता, यहाँ क्या दे दिया इसने, एन दे दिया, तो ये क्या है, फॉल्स है। फिफ्थ है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट क्यू ओ। अब बेटा लाइन सिगमेंट क्यू ओ की बात करें तो लाइन सिगमेंट का क्यू ओ ये होगा, इसके एंड पॉइंट क्या क्या होंगे, या तो क्यू और ओ होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट क्यू ओ। एम इस लाइन सिगमेंट का कोई एंड पॉइंट है, नहीं है, इसके एंड पॉइंट क्या क्या है, क्यू और ओ है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। एफ है बेटा इसका, एम इज पॉइंट ऑन रेज ओ पी। ओ पी कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर रेज ओ पी को हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो ओ आ गया बेटा, और ये पॉइंट क्या है, पी है, ये चलो मीडियम एन है। क्या इस पर एम ओ एम पॉइंट है, एम तो ओ से पहले रह गया, रेज कहाँ से शुरू हो रही है, ओ से शुरू हो रही है, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। रेज ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रेज क्यू पी। रेज ओ पी तो ये है बेटा और क्यू पी यहाँ से है, क्यू पी यहाँ से तो अलग अलग ही है। रेज ओ पी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटीटल पॉइंट क्या है इसका, ओ है रेज ओ पी का, और इसका क्या है, क्यू पी का, क्यू है, तो क्या है, डिफरेंट है, तो क्या है, ये ट्रू हो गया। रेज ओ पी इज सेम एज रेज ओ एम। रेज ओ पी इज सेम रेज ओ एम। देखो ओ एम, ओ एम की बात कर रहा है बेटा, तो ओ और ये एम, ये तो इस साइड को डिनोट कर रहा है, और ओ पी किस साइड को डिनोट कर रही है बेटा, ये ओ और ये पी, ये इस साइड को डिनोट कर रही है। तो क्या रेज ओ पी सेम रेज ओ एम, दोनों सेम है, ओ एम तो ये है और ओ पी ये है, दोनों सेम है, नहीं है, तो क्या क्या हो गया ये बेटा, फॉल्स हो गया। रेज ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रेज ओ पी। ओ एम और ओ पी, ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, ये तो अपोजिट है, ये कह रहा है कि रेज ओ पी ओ एम का अपोजिट नहीं है, लेकिन है तो ओ एम और ओ पी दोनों क्या है, अलग, ये इस साइड को डिनोट कर रही है और ये इस साइड को डिनोट कर रही है, तो ये क्या कह रहा है बेटा, गलत बात कह रहा है, ये अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओ इज नॉट एन इंटीटल पॉइंट ऑफ ओ पी।
शुरुआती पॉइंट नहीं है बेटा ओपी का है, ये कह रहा नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एन इज द इंटीटल इंटीटियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, एन पी और एन एम, ये तो ये बेटा एन पी हो गई और ये एन एम हो गई, तो ये शुरुआती पॉइंट है दोनों का, यस, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, लुक एट द फिंगर एंड नेम द फॉलोइंग, फिंगर को देखना है और नेम को फॉलोइंग करना है बेटा। फर्स्ट है ए लाइन सेगमेंट कॉन्टेनिंग पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट से स्टार्ट होने वाला लाइन सेगमेंट क्या हो गया बेटा, एक तो एक्स एस हो गया बेटा, एक्स एस, दूसरा बेटा एक्स पी भी हो सकता है, ये भी लाइन सेगमेंट है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है ना लाइन, अगर मैं ये दो लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, दो पॉइंटों के बीच बिटवीन की डिस्टेंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है, तो एक्स पी भी हो गया। सेकंड आ रहा है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी बेटा, एक तो एक्स एस है और एक डी टी ए, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर, तो क्या क्या हो गया बेटा, एक्स एस एंड डी टी दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ने कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पी पर कर रही है बेटा। अच्छा लाइन सेगमेंट पॉइंट पी एंड एस, पी और एस का लाइन सेगमेंट क्या होगा बेटा, पी और एस का लाइन सेगमेंट क्या होगा बेटा, पी एस, क्लियर है।